नमस्कार, मैं जनता की आवाज़ और इस वक्त हम मौजूद है करनाल के निरंकारी भवन में। और आपको बता दें कि कल जो है यहाँ पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जो है रक्तदान शिविर का आयोजन होगा। तो चलिए यहाँ पर जो मौजूद है उनसे हम बातचीत करेंगे, तब तक के लिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिए जी। मैं आपको ये बता दूँ कि सतगुरु बाबा गुरुबचन सिंह जी महाराज ने 24 अप्रैल 1980 को मानवता कायम रहे इसलिए अपने प्राणों की आहुति दी। और तब 1986 में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने ये अंगीकार किया कि जो रक्त नालियों में बह रहा है वो नालियों में ना बहकर मानव की नालियों में बह, तो इस रक्तदान शिविर अंगीकार किया उन्होंने। 1986 से अब तक संत निरंकारी मिशन द्वारा ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं जिसमें 1,00,000 से ऊपर जो है यूनिट डोनेट हो चुके हैं और ये अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। उसके अलावा अनेकों सामाजिक कार्य निरंकारी मिशन द्वारा किए जाते हैं, चाहे वो पौधारोपण है, सफाई अभियान है, इसके अलावा कहीं भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है वहाँ भी सहायता पहुँचाई जाती है। हॉस्पिटल हैं, डिस्पेंसरी हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, अनेकों प्रकार से मानव के लिए, क्योंकि बाबा जी का मानना था कि मानव को मानव हो प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। तो उस हाँ जी सर, जैसे कि देश में देखा जाता है कि जो युवा है वो नशे की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसके ऊपर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सतगुरु बाबा सिंह जी ने 1973 में ही निरंकारी मिशन को ये आह्वान किया कि आज के बाद कोई भी नशा नहीं करेगा, ताकि ये जो घर घर नौजवान नशे से पड़ा हुआ है, पीड़ित है, वो उससे बच सके। और तब से अब तक निरंकारी मिशन में कोई भी नौजवान इस नशे की तरफ नहीं बढ़ा, इससे बचा हुआ है। और साथ साथ उन्होंने सिंपल मैरिज, सादा मैरिज का भी निरंकारी अनुयायियों को दिशा निर्देश दिए कि आप सिंपल मैरिज करें ताकि कम से कम जो है वो दिखावा हो सके। बाकी जो कल हम बात कर रहे थे, कल जो कैंप लगाया जा रहा है इसमें कल्पना चावला और राजकीय हॉस्पिटल दोनों मिलकर उनकी जो रिक्वायरमेंट है 300 यूनिट की, हालांकि हमारा तो टारगेट 500 प्लस है, लेकिन क्योंकि ब्लड बैंक में जगह ही नहीं है तो इसलिए 300 प्लस जो है वो रक्तदान कल निरंकारी अनुयायियों द्वारा 4:30 बजे शुरू किया जाए। सर आपका परिचय? मैं तो सेवक ही हूँ जी इस संस्था का, यहाँ पर वैसे प्रबंध के नाते जोनल इंचार्ज कहते हैं संत निरंकारी मिशन का, करनाल जोन का। नाम? सतीश हंस। तो यहाँ पर जो सर मौजूद थे उनसे हमने बातचीत की और उन्होंने बताया किस तरह से जो निरंकारी है वो देश पर अगर कोई आपदा आ पड़ती है तो किस तरह से जो है सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और यहाँ पर आपने जाना है कि किस तरह से जो सामाजिक मुहिम है वो भी इनके द्वारा, निरंकारियों के द्वारा जो है चलाई जाती है, जैसे कि पौधारोपण है, स्वच्छ अभियान है, इस तरह की जो मुहिम है वो भी चलाई जाती है। और कल जो है करनाल के निरंकारी भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है, जिसके चलते यहाँ पर जो है बढ़ चढ़कर भाग ले। और जैसे इन्होंने बताया कि हर बार जो है 500 प्लस ही यूनिट आती है। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल से बने रहे। मैं शबनम जनता की आवाज़ से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रही थी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।